दोस्तों सबसे पहले हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू, आपने हमें इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया। इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स की एक छोटी सी फैमिली बना पाए। वंस अगेन तहे दिल से थैंक यू सो मच। दोस्तों क्या आपको पता है, इंडिया में एक ऐसा कॉलेज है जिसने अपने स्टूडेंट्स के लिए 8500 स्क्वायर फीट का कंप्यूटर लैब सेटअप किया है, और वो भी 240 हाई एंड एप्पल आईमैक कंप्यूटर्स के साथ। इस लैब में हाई एंड फ्यूचरिस्टिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जहां स्टूडेंट्स ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, डेटा एनालिटिक्स फील्ड्स में रिसर्च कर सकेंगे। आप अगर अपने स्टार्टअप के लिए कोई सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई के बारे में। आगे बढ़ने से पहले हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल हैं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं उन्हें नीचे दिए हुए फॉर्म में सबमिट कर दें, और हमारी टीम आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेगी। चलिए अगर NIRF रैंकिंग्स की बात करें तो 2022 में SRM ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में 34th रैंक से 22nd रैंक पे छलांग लगाई है। SRM के इतने डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस हैं कि उन्हें एक वीडियो में कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, इसीलिए हम इस वीडियो में सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कवर करेंगे। ठीक है, पहले जानते हैं चेन्नई में SRM IST के कौन कौन से कैंपसेस हैं। पहला और सबसे बड़ा कैंपस KTR जो SRM का मेन कैंपस है, और दोस्तों ये सिर्फ कैंपस नहीं है, पूरा का पूरा टाउनशिप है स्टूडेंट्स के लिए, जहां आपके जरूरत की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मेडिकल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, सारी चीजें अवेलेबल है। दूसरा कैंपस है रामापुरम कैंपस, और तीसरा है वदपलानी कैंपस। चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो बीटेक कोर्स में एडमिशन के लिए आपको SRM JEE यानी SRM जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में अपियर करना होगा, और इसी एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अलग अलग ब्रांचेस के चॉइसेस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर सीट्स के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो सीट्स में तीनों कैंपसेस जो चेन्नई के तीनों कैंपसेस हैं उनमें बीटेक में 7845 सीट्स के आसपास है, और SRM IST का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको कंप्यूटर साइंस और अलाइड स्ट्रीम्स में अकेले KTR कैंपस में 3000 से भी ज़्यादा सीट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्रांचेस और स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो SRM इंडिया के कुछ चुने हुए प्राइवेट कॉलेजेस में आता है दोस्तों, जहाँ सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के 12 से भी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। जी हाँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, आप बस इमेजिन कीजिए और वो ब्रांच और वो स्पेशलाइजेशन आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चलिए आते हैं सबसे मेन सेगमेंट पे जो है फीस का सेगमेंट। जी हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इस सेगमेंट का ही वेट कर रहे होंगे। तो SRM में अगर बीटेक की फीस ब्रांच के हिसाब से बात करें तो वो काफ़ी डिफर करती है, यानी जिन ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा डिमांड होता है उनकी फीस सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में KTR कैंपस में 3 लाख से लेकर 4.5 लाख पर एनम तक स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिफर कर सकती है। फीस के बारे में तो बात हो गई, अब प्लेसमेंट के बारे में कौन बताएगा, वो टॉपिक मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जी SRM का प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ कि वो इंडिया ही नहीं दुनिया भर की रेप्यूटेड कंपनीज को कैंपस तक खींच कर ले आते हैं। यही वजह है कि लास्ट ईयर SRM के एक स्टूडेंट ने 1 करोड़ प्लस का पैकेज अचीव किया। एवरेज ऑफर की बात करूं तो 2022 में यानी 2022 में 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 10 लाख प्लस का पैकेज ऑफर हुआ। ये वीडियो रिलीज होने तक SRM JEE फेज 1 का एग्जाम हो चुका है, और SRM JEE फेज 2 का भी एप्लीकेशन डेडलाइन 5 जून 2023 तक ही है। इससे पहले कि देर हो जाए प्लीज़ आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें, और अगर ब्रांच सिलेक्शन या काउंसलिंग में कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए फॉर्म में अपने क्वेश्चंस को सबमिट कर दें, और हमारी टीम
आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट्स और कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेगी। थैंक यू दोस्तों।